पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे पर स्थित हवेली में उड़ीसा के ऑब्जर्वर के खाने में हड्डी आने पर कड़कंप मच गया। उन्होंने न सिर्फ होटल स्टाफ को फटकार लगाई बल्कि प्रशासन को भी इसकी सूचना दी। इसके बाद उप जिलाधिकारी चंद्रकांता, पुलिस और खाद्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। होटल को फिलहाल बंद करवा दिया गया। राजस्व, पुलिस और भू अभिलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड के डायरेक्टर श्रीश कुमार सीनियर PCS अधिकारी हैं। उस समय वो उड़ीसा के भटली लोकसभा के ऑब्जर्वर भी हैं। तो क्या नाम आपका? मैं श्रीश कुमार हूँ, उत्तराखंड में सीनियर सिविल कार्यकारी शाखा का अधिकारी हूँ जी। वर्तमान में मैं डायरेक्टर हूँ रेवेन्यू पुलिस लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे का, उत्तराखंड का इंस्टीट्यूट है उसमें डायरेक्टर जी। मैं उड़ीसा में ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगी है। मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा था तो मेरे बेटा भी मेरे साथ था, उसने खाने के लिए कहा तो हम लोग यहाँ खाने के लिए रुके जी। हम लोगों ने खाने में कुछ सामान मंगाया और वेजिटेरियन है, ये प्योर वेजिटेरियन है। जब उसमें हम खाने लगे तो कढ़ाई पनीर में बेटे की प्लेट में मुर्गे की हड्डी निकली। इनको बताया तो ये माफ़ी वाफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि पैसा नहीं चाहिए जी। हमने पैसा भी दिया, हमने खाना नहीं खा पाया जी। हमने पैसा दिया, बिल दिया ताकि ये रहे कि हमने यहाँ खाना खाया है। उसके पश्चात मैंने यहाँ के अधिकारियों को बताया, अपर जिलाधिकारी को बताया, आपके यहाँ फूड इंस्पेक्टर साहब को बताया, असिस्टेंट कमिश्नर फूड इंस्पेक्टर साहब को बताया। तो उन्होंने वहाँ से अपनी टीम भेजी है, SGM साहब भी यहाँ आई हैं, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।